क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है? ए एंड बी वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, ए डिफीटेड बी बाय अ मार्जिन ऑफ 75 वोट्स, एट 20% ऑफ द वोटर्स हु वोटेड फॉर ए वोटेड फॉर बी, देन द लेटर बी वुड हैव वन बाय 19 वोट्स, ओके, व्हाट आर द नंबर ऑफ वोट्स होल्ड बाय ए एंड बी, लेट the number of votes held by A is X, ठीक है, and the number of votes held by B is Y. ओके, हमने मान लिया कि जो मतलब एक्स को जो मतलब ए को जो वोट्स मिले वो एक्स हैं, ठीक है, और बी को मिले वो वाई हैं. तो पहली लाइन क्या करे, ए एंड बी वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन एंड ए डिफीटेड बी बाय अ मार्जिन ऑफ 75 वोट्स, मतलब ए बी से 75 वोट से जीत गया. तो इसका मतलब ए को 75 वोट्स ज्यादा मिले होंगे. द इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 75. इक्वेशन फर्स्ट, ओके. नाउ दिस लाइन, ये लाइन क्या कह रही है, 20% ऑफ द वोटर्स हु वोटेड फॉर ए वोटेड फॉर बी, देन द लेटर बी वुड हैव वन बाय 19 वोट्स. इसमें बोला गया है अगर जिन्होंने ए को वोट किए थे, ठीक है, जिन सबने ए को वोट किए थे, अगर वो बी को वोट करते, उसमें से 20% बी को वोट करते, तो जो बी कैंडिडेट है वो 19 वोट से जीत जाता. फिर से समझो क्या कहने का मतलब क्या है, कि जिन्होंने भी ए को वोट किए हैं, अगर उसमें से 20% भी बी को वोट कर देते तो बी 19 वोट से जीत जाता, ओके. तो कहने का मतलब हमें 20% निकालना है ए के वोटर्स, तो ए के वोटर्स कितने, एक्स, ठीक है, कितने, एक्स. तो एक्स का 20% कितना आएगा, तो यहाँ पे निकाल, एक्स का 20% होगा 20/100 इंटू एक्स, तो जो कि कितना होगा, x अपॉन 5. तो नाउ b के वोटर्स कितनी हो जाएंगे, b के वोटर्स हो जाएंगे, देखो बाई तो उसके पास थे, और कुछ उसमें से 20% कहाँ से आ गए, जिन्होंने a को वोट किया था, तो बाई प्लस x प्लस 5, ठीक है, माइनस इसमें से a के वोटर्स करने हैं, तो a के वोटर्स कितने होंगे, x माइनस x बाय 5, क्योंकि इसके 20% वोट्स कम हो गए, और वो कहाँ पे पहुंच गए, वो 20% वोट बी के पास पहुंच गए, ठीक है, ये बी है, दिस इज बी और दिस इज ए, तब बी कितने से जीत रहा था, 19 से. तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो इस सेकेंड इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वाई प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 5, ओके, इक्वल टू 19. एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाय प्लस 5 एक्स माइनस, और ये 5 एक्स नहीं आएगा, ये एक्स आएगा, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 19. ठीक है, इस 5 को 19 के यहाँ पे पहुँचाएंगे, और ये x माइनस 5 एक्स प्लस एक्स कितना होगा, माइनस 3 एक्स, तो 5 बाय माइनस 3 एक्स इक्वल टू 19, 5 जा 95. तो एक दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ओके. नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है हमें, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको देखिए, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो जो 5 का जो 5 के कोफिशियंट, वो बाई के जो कोफिशियंट है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है.
या हम 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 5 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन को 5 से तो क्या आएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 75 इंटू 5 कितना होता है, 375। एंड सेकंड इक्वेशन को एग्जैक्ट वैसे ही लिख लो, 5y माइनस 3x इक्वल टू 95। ओके, तो ये माइनस 5y से 5y एलिमिनेट हो गया, और 5x माइनस 3x कितना आएगा, 2x इक्वल टू 375 प्लस 95 कितना होगा, 470। ओके, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 235। नाउ पुट x इक्वल टू 235 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस y इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 75 प्लस y, और सॉरी ये गलत नोट कर लिया, तो x इक्वल टू 235 मिल गया हमें, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू होगा x माइनस 75। ओके, तो y इक्वल टू x की कितनी वैल्यू आई है, 235 माइनस 75, हेंस y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करो 160, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन।